धमतरी जिले के बाईपास मार्ग में स्कूली बच्चों से भरी एक वैन वाहन को हाईवे ने जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे इस हादसे में करीबन दर्जन भर बच्चे घायल हो गए हैं, जबकि एक बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार शहर के बठेना पारावाद में सरस्वती ज्ञान मंदिर के नाम से निजी स्कूल संचालित है, जहाँ अभी बच्चों का परीक्षा चल रहा है। वहीं परीक्षा होने के बाद बच्चे जीप में सवार होकर घर जा रहे थे, उसी दौरान धमतरी बाईपास मोड़ के पास सामने से आ रही हाईवा वाहन ने स्कूली वैन को टक्कर मार दी, जिससे इस हादसे में सागर ध्रुव नाम के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। बहरहाल पुलिस हाईवा वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। ये स्कूल की गाड़ी थी, स्कूल की जीप थी, उसमें बच्चे मंदिर के थे और वो लगा रहे थे और एक हाईवा ने टक्कर मारी है, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई, 10 साल का है, और बाकी 8 बच्चे घायल हैं, इनका इलाज अभी चल रहा है। और गाड़ी के ड्राइवर को और गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है, उसके मालिक को भी बुलाया गया है, FIR अभी मर्ग कायम करके उसको FIR किया जाएगा। सरस्वती शिशु मंदिर का है, 7-8 बच्चे घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है, मामूली चोट है उन्हें, और जो मृतक है उसके घर वालों को भी बुलाया गया, वो लोग भी आ रहे हैं, और तहसीलदार की तरफ से उन्हें 25,000 रुपये जो तत्कालिक मिलता है वो मिलेगा, और FIR के बाद जो मुआवजा मिलेगा उसको हम लोग जल्दी करवाएंगे। सर, संबलपुर के बाईपास में विद्यालय की छुट्टी होने के बाद गाड़ी जा रही थी, उधर से दमकल आ रहा था, जैसे गाड़ी मुड़ी दमकल ने सामने से जो है अपना गाड़ी को धक्का दिया तो बच्चों के चोट आई, करीब 17-18 बच्चे थे। सरस्वती ज्ञान मंदिर अलग अलग जो है सभी गांव के थे, कोई तेल शक्ति था, कोई संबलपुर का था, और कोई जो है आपका जो है उसलापुर के थे। करीब 7-8 बच्चे लगभग हल्की चोट आई है, जिनकी पट्टी हुई है। एक बच्चा जो है उसका नाम है सागर ध्रुव।